हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम बनाएंगे प्रिंटेड फैब्रिक और बटन की हेल्प से एक खूबसूरत नेक डिज़ाइन। सो यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले एक पेपर और इसको सेंटर से फोल्ड कर दिया है। नेक की विड्थ ली है मैंने 3 इंच और इसकी जो लंबाई है वो ली है मैंने 12 इंच। एक निशान हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं। नीचे से मैंने लिया है 3.5 इंच और इस तरीके से हम दोनों पॉइंट्स को जॉइंट करके एक बॉक्स बना लेंगे। और इस वाले निशान पे हम 2 निशान लगाएंगे इस वाली लाइन पे। तो सबसे पहले हम 4 इंच पे निशान लगा लेंगे, उसके बाद हम 12 इंच का हाफ लेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से 2 निशान लग गए हमारे। अब हम पहले वाले निशान पे क्या करेंगे, 1/2 इंच हम अंदर को मार्क करेंगे और दूसरे वाले निशान पे हम 1/2 इंच बाहर को मार्क करेंगे। तो पहले वाले निशान से हम क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और जो हमारा दूसरा निशान है वहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप देते हुए नीचे से प्रॉपर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको एक मटका शेप में बनाएंगे। जैसे कि एक मटके का शेप होता है ना, वो वाला डिज़ाइन हमें इसमें ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से प्रॉपर सर्कल होना चाहिए। इसके बाद हम ये जो अंदर का सर्कल है वो 3.5 इंच होना चाहिए। यहाँ से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेके एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अंदर से भी इसको कट करके अलग कर लेंगे। सो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे मैंने अपने बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 4th फोल्ड करके चोली पार्ट पे मार्क कर लिया है। इस पैटर्न को हम इसके ऊपर रख के अच्छे से सेट करके और चौक से निशान लगा लेंगे गले का जो शेप है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी मेन पार्ट्स हैं उसके ऊपर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम इसका जो बैक पार्ट है ना उसको अलग कर देंगे और दोबारा से इसके फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करके गले की शेप में एक और लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। और इसकी जो सेंटर में है हम ये वाला फैब्रिक यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये स्क्वायर पीस लिया है और इसको सेंटर से फोल्ड करके इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच है। यहाँ पे 3 इंच मार्क करेंगे और इसकी जो लंबाई है 6 इंच मार्क करेंगे। नीचे से मैंने 3.5 इंच लिया है और इस तरीके से एक बॉक्स जो है ड्रॉ कर लेंगे और इसके अंदर हम सिंपल सा राउंड नेक ड्रॉ करेंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, सेंटर से भी कट कर देना है। इसको फोल्ड करके हम सेंटर से भी इसको कट करके अलग कर देंगे और अब हम इसमें पाइपिंग का काम करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है ये पट्टी और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। तो सबसे पहले इसको सेंटर से फोल्ड करना है और एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसे फिनिश कर लेना है। अब हम इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करके और पतली सी पाइपिंग निकाल लेंगे इस तरीके से, और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेंगे और अब हम इसके सेंटर में एक पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है एक पीस और इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। तो इसको हम सेंटर से पहले फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड और उसके बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इसको स्टिच कर लेंगे और उसके बाद हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये पट्टी भी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पर इस पट्टी के ऊपर हम पहले अपने लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो बिल्कुल सेंटर में रखते हुए और पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारी सेंटर की पट्टी है उसके ऊपर हम निशान लगाएंगे। तो 1/2 इंच ऊपर को छोड़ते हुए हम निशान लगाएंगे और इसके नीचे हम 1/2 इंच 2 सूत पे निशान लगाते हुए नीचे तक मार्क कर लेंगे। तो ये मेरे पास 2.5 इंच लंबी डोरी है और इसको इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसी निशान के ऊपर रखते हुए स्टिच कर लेंगे। आप चाहें तो फैब्रिक की भी बना के इस तरीके की लूप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये रेडीमेड डोरी है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब ये जो राइट साइड वाला पल्ला है इसको हम इसके ऊपर रख के इसकी बिल्कुल पाइपिंग के किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर आप बिल्कुल पाइपिंग के बराबर में रख के इसको स्टिच करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब आप इसे पहनेंगे तो ये थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, जिसकी वजह से सेंटर की जो पट्टी है वो फ्रंट में दिखेगी, जिससे कि अच्छा लुक नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस पाइपिंग को आपको, ये जो हमारी पहले वाली पाइपिंग है ना ये वाली, जस्ट इसके ऊपर रखते हुए स्टिच करना है। इस तरीके से ऊपर रख के देन आपने पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, ठीक है।
ताकि पहनने के बाद जब ये स्ट्रेच हो तो इसकी सेंटर वाली पट्टी ना दिखे। सो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से फिनिश कर लिया है और ये है इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक। और यहाँ पे जो टोटल लुपियाँ हैं वो 9 अटैच हुई हैं और इस तरीके से आप देख सकते हैं स्ट्रेच होने के बाद भी सेंटर वाली पट्टी नहीं दिख रही है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को भी फिनिश कर लेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, इसकी कंट्रास्ट का ही हमने एक तिरछी पट्टी ली है इस कलर में और इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई करते हुए हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी हो गया हमारा कंप्लीट और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने एक पैर की सिलाई लगाते हुए स्टिच कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको रॉन्ग साइड फोल्ड करके बिल्कुल बारीक सी पतली सी पाइपिंग निकालेंगे। सो यहाँ पे हमने इसे भी फिनिश कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी पतली और बारीक उभरी हुई पाइपिंग हमारी बनी है और इससे काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। और ये है इसका बैक साइड। यहाँ पे हमने इसके नेक को भी फिनिश कर लिया है तिरछी पट्टी कट करके। यहाँ पे हमें इसके दूसरे पार्ट को इसके साथ ज्वाइंट करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी शोल्डर को बराबर करते हुए सेट कर लेंगे इस तरीके से। और ये जो फ्लावर है ये इस फैब्रिक का सेंटर है, तो मैं यहाँ पे चौक से मार्क कर लेती हूँ पहले। और जो हमारा सेंटर वाला फैब्रिक है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो दोनों पाइपिंग के बीच में है, तो इन दोनों सेंटर्स को मैच करते हुए हम पिन की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ शोल्डर पर भी हम एक पिन लगा लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना हो। ठीक है, और ये जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है शोल्डर पर इसको हम कट करके हटा देंगे। अब इसके सर्कल को कैसे सेट करना है वो हम देख लेते हैं। ये हमारा सेंटर है, इस सेंटर के एक साइड हमारा आ रहा है 3.5 इंच 2 सूत, तो ये जो मेज़रमेंट है सेम इतना ही हमारा दूसरी साइड भी आना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 3.5 इंच 2 सूत आ रहा है। इस तरीके से मैंने मेज़र करके पिन की हेल्प से इसको सेट कर लिया है और इसके जो अंदर का सर्कल है वो 7.5 इंच के अंदर है। ठीक है, तो आपने स्टिचिंग से पहले एक बार ही ऐसे चेक करके देन स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो सिलाई हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से दोनों पार्ट्स जो हैं इक्वल हैं। तो पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगानी है, बहुत ही आराम आराम से यहाँ पे काम करना है आपने, कोई जल्दबाजी नहीं। तो फाइनली इसको भी हमने यहाँ पे फिनिश कर लिया है। एंड में हम इसको यहाँ पे अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि जो दोनों पार्ट्स हैं वो अच्छे से जॉइंट हो जाएं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये जॉइंट हो गया है और बिल्कुल मैचिंग का धागा यूज़ किया है हमने यहाँ पे ताकि फिनिशिंग के साथ ये रेडी हो सके। ठीक है, यहाँ पे अब हम इसके शोल्डर को भी स्टिच कर लेंगे। और जो इसका बैक पार्ट है इसमें जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसी शेप में एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। अब हम इसके एजेस को इंटरलॉक करके फिनिश कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको इंटरलॉक करके फिनिश कर लिया है। और यहाँ पे हमने इसी के कंट्रास्ट में बटन्स रेडी किए हैं, तो इसको हम इसके साथ अटैच कर लेंगे सुई धागे की हेल्प से। सो यहाँ पे हमने अपने लेफ्ट साइड वाले पल्ले पे बटन्स को अटैच कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। सो या गाइज, अगर आपके पास भी प्रिंटेड फैब्रिक है तो आप भी कुछ मिक्स मैच करके इस तरीके का खूबसूरत नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन न्यू आइडियाज़ के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।